हे गाइस, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो कि है हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, वो आज मैं आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, इसको जो फॉर्मूला है जो कि है हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, उसको मैं आज प्रूव करके बताऊँ। अगर हम कोई भी चीज़ को प्रूव करते हैं तो उसका मिनिममली फोर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है गिवन, सेकंड होता है टू प्रूव, थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन और फोर्थ होता है प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट, फिर लिखते हैं गिवन। ए गिवन क्या है? ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। और सेकंड है अपना टू प्रूव, यानी हमें क्या सिद्ध करना है। हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन टू भी लिखते हैं, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है अपना कंस्ट्रक्शन। वैसे कंस्ट्रक्शन तो हर चीज़ को प्रूव करने में इतना काम नहीं आता है, पर कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए अपन को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। इसके बाद अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे ड्राई डायगनल एसी। ड्राई डायगनल एसी और ड्राई हाइट। ए ही अपन को एक हाइट बनाना है और एक एसी डायगनल बनाना है। तो एक कंस्ट्रक्शन वाली जो भी चीज़ है वो डॉटेड में बनाई जाती है। ये मैंने डॉटेड में एक एसी डायगनल खींच लिया और एक सीधी सीधी हाइट खींच ली। ये हो गई हमारी हाइट, जिसको मैंने नाम दिया एच, और इसको मैं इससे मिला लेता हूँ और इसको पॉइंट का नाम दे देता हूँ ई। तो ये हाइट बन गई ए ई और ये ए सी डायगनल बन गया। और अब भी अपन करेंगे प्रूफ के अंदर इसको प्रूफ। इसका प्रूफ लगेंगे कि क्यों इसका फॉर्मूला ये होता है। आइए, ट्रेपेज अपना जो ट्रेपेजियम है वो टू ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट ट्रायंगल है वो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी को ले लिया। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बी इंटू एच, यही होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। इसके अंदर जो ये और ये लेंथ है, इस लेंथ का भी मैं एक मिनट के लिए नाम दे देता हूँ। ये तो है ए और ये है यानी बी लेंथ, इनके नाम दे दिए। अभी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर हाफ मल्टीप्लाई बी इंटू एच, यानी बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो अपनी ये एच हो गई, तो इसको अपन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेस की जगह स्मॉल बी में लिखा है ए बी सी के अंदर, तो स्मॉल बी आ गया, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने। सेकेंड आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी तो उसका क्या है? हाफ मल्टीप्लाई ए इंटू एच, यानी उसका बेस क्या है? ए। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अभी अपन इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, यानी एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। अपन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ अपॉन इंटू एच। अभी इन दोनों को जोड़ने पर अपन का आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी इस इतने ट्रायंगल और इतने ट्रायंगल को जोड़ने पर पूरा ट्रेपेजियम बन जाएगा ए बी सी डी इज इक्वल टू। अभी इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही है, यानी जो कि इस टर्म में भी आ रही है और इस टर्म में भी आ रही है। इन दोनों टर्म्स के अंदर हाफ इस टर्म में भी आ रहा है और हाफ इस टर्म में भी आ रहा है।
और एच स्टेम में भी आ रहा है, एच स्टेम में भी, यानी बी और एच ही डिफरेंट है, तो मैं हाफ और एच को कॉमन ले लूँगा। तो इधर एच लिख दिया मैंने, और अभी ऐड करने के लिए दो क्या चीज़ बची, एक तो बी और एक ए, तो ये आ गया ए प्लस, यानी हाफ ए और एच को अपन को अपन ने कॉमन ले लिया, और ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का एरिया प्रूफ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट में कर दे, प्रिंट कर देना, ताकि मैं सवाल का आपको रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।